सर, आज आपने यूलर्न का ऑफिस विजिट किया। जो टेक्नोलॉजी यूलर्न यूज़ कर रहा है, आपको क्या लगता है कैसी टेक्नोलॉजी है और पाकिस्तान को इसकी कितनी ज़रूरत है? थैंक यू वेरी मच मैडम, और आई एम रियली हैप्पी एंड ग्लैड टू सी ऑल ऑफ़ यू, पर्टिकुलरली यू लर्न की आपकी जो पूरी टीम है, ओवरऑल जो लीडरशिप है, जो मैनेजमेंट है, और जिस तरीके से आपकी फैकल्टी है, एंड आई एम रियली हैप्पी एंड ग्लैड कि पाकिस्तान के अंदर जब हम रेवोल्यूशन की, आईटी रेवोल्यूशन की बात करते हैं, डिजिटल लिटरेसी की बात करते हैं, पाकिस्तान को हम चाहते हैं कि ऐसा हब बनाएं जहाँ से हम एक्सपोर्ट करें अपनी डिजिटल लर्निंग को, तो आई रियली सी कि इस वक्त दिस इज़ द नीड ऑफ द टाइम, और हम रादर टू हैव प्रेमिसेस, रादर टू हैव हार्ड कोर इंफ्रास्ट्रक्चर, उसकी बजाय अगर हम इस ये जो सॉफ्ट इंफ्रास्ट्रक्चर है, हम इस पे ज़्यादा फोकस करें, तो मेरा ख्याल है कि इस वक्त हमें इस पे ज़्यादा फोकस करना चाहिए। एक तो आप इसके अंदर स्टैंडर्डाइजेशन दे के आ सकते हैं, दूसरा विद मिनिमम रिसोर्स आप इसकी जो आउटपुट है आप उसको बढ़ा सकते हैं। तो आई रियली अप्रिशिएट यू, और मेरी सपोर्ट आपके साथ होगी, एंड आई एम ए स्ट्रॉन्ग बिलीवर कि अगर हम चाहते हैं कि लोगों के अंदर नॉलेज ट्रांसफ़र हो, लोगों की स्किल्स इम्पार्ट की जाएँ, तो उसके लिए ज़रूरी है कि आप इस तरीके के एवेन्यूज़ खोलें, इनिशिएटिव्स लेके आएँ, एंड माई सपोर्ट वुड ऑल्सो इज़ विद यू, तो हम जो भी इस यू लर्न को प्रमोट करने के लिए मैं अपना रोल प्ले कर सका, आई विल डू दैट जी। थैंक यू सो मच सर। थैंक यू।